हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 5, सममित संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। तो ये हमारा है, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं, इसके प्रीवियस पार्ट में हम जो भी इसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले थे उन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप सब उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसे यहाँ पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि सममित संख्याओं में प्रत्येक को ए प्लस आई वी के फॉर्म में, ए प्लस आई वी के रूप में हमें क्या करना है, निरूपित करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमें दिया गया है, सबसे पहले यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5i और इंटू, यहाँ पे ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या है इसका इंटू है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5i और ये हमारा हो जाएगा इंटू -3/5i हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से 5 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे हो बच क्या रहा है हमारा i और ये हमारा ब्रैकेट में है -3i, ठीक है। अब जब यहाँ पे आप इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा -3i² क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3i² और i² की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे हम कहें कि i की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे ये होता है रूट ऑफ माइनस वन होती है, कितना होता है यहाँ पे रूट ऑफ, कर्ली में मतलब -1 होती है। तो i² की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1, तो i² की जगह पे हम -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे 3 × i² की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, -1, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस है तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब आप देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपसे आप सोचेंगे ये तो हमारा ए प्लस आई वी के फॉर्म में है भी नहीं, तो आप इसे तरीके से और लिख सकते हैं। वो तरीका क्या है, ये तो हमारा ए हो गया और आप आई करके यहाँ पे बी की जगह पे 0 लिख सकते हैं, या आप इस तरीके से लिख सकते हैं 0 × i। तो बात हमारा वही हुआ, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस आई वी के फॉर्म में ये हो गया और ये हमारा जो 3 आया ये इसका आंसर हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप डायरेक्ट इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, i^9 + i^19 है। अब यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखिए, यहाँ पे i^9 है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम आपसे कहें i² की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है -1 और i³ की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है -i होती है। i³ की वैल्यू क्या होती है, -i होती है। हम आपको प्रीवियस पार्ट में निकाल के बताएं कि कैसे i³ की वैल्यू -1 होती है या अन्य जो इसके मान है। और एक आपको और याद करना है, i^4 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। ये तीनों आपको यहाँ पर रटा होना चाहिए, क्योंकि इन सभी का प्रयोग हम बार बार करने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। अब यहाँ देखिए, i^9 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं i³, या आप यहाँ लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, बात वही है। देखिए, 3 × 9 जाएगा, क्योंकि आपको पता है n की पावर अगर n होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब n की जगह पर हम कुछ भी करते हैं, यहाँ पे k होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं n की पावर n × k लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, i^19 है, तो क्या इसे हम i × 16 और इंटू हम i^ बोले, तो ये आप इसे लिख सकते हैं 3। तो बात तो वही है, देखिए यहाँ पे क्या किया है, आधार समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो हम यहाँ पे इन दोनों को अलग कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे ऐसे ही क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि i^16 का मतलब हम कर सकते हैं i^4 और आपको पता है i^4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 जब आप 4 करेंगे तो वैल्यू हमें 1 ही प्राप्त होगी, जिससे हमें आसानी होगा। इसलिए हमेशा हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें 1 की पावर कुछ भी अगर 1 की पावर 100 भी रखते हैं तो भी इसका मान हमें 1 ही प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप कोशिश यही कीजिए कि हम i^4 में इसे कन्वर्ट कर दें। वैसे तो आप कई रूप में इसे कन्वर्ट करके कई मतलब तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे हम मान रखते हैं i³ की वैल्यू क्या है, i³ की वैल्यू है हमारा -1, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हमारा i³ की वैल्यू क्या है, -i है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, -i और ये हमारा है क्यूब है, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया i^4। अभी हम आपको बताएं कि इसे हम लिख सकते हैं i^4 और ये हमारा i³ की वैल्यू क्या है, -i है, तो इसे हम ऐसे लिख देते हैं। अब i^3 माइनस, तो चिन्ह माइनस में हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि आई क्यूब है, क्यूब पे माइनस अगर स्क्वायर होता तो प्लस हो जाता। अब आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आई होती है, तो माइनस आई लिखते हैं। प्लस इसकी वैल्यू में क्या होती है? वन होती है। और इंटू हमारा क्या है यहाँ पे? माइनस आई है। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी वैल्यू? प्लस, सॉरी ये दोनों माइनस में है तो वैल्यू क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है इंटू, क्योंकि माइनस में जब माइनस का इंटू कराते हैं तो ये हमें प्लस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो आई, और यहाँ पे हमें मिला प्लस माइनस माइनस आई, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? ज़ीरो। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप इसे तरीके से और लिख सकते हैं, वो तरीका क्या है? ज़ीरो प्लस आई इंटू ज़ीरो, ये हमारा हो गया ए प्लस आई बी के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर यहाँ पे ज़ीरो प्राप्त हो रहा है। इसे आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप जो यहाँ पे 16 है या 19 है और 15 इंटू 4 ऐसे भी करके आप इसे तोड़ सकते हैं। तो कई तरीके हैं आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप बस इतना कोशिश कीजिए, अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि इससे हमें 1 मिलेगा और 1 के पावर हम कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू हमारी 1 ही प्राप्त होगी। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आई की पावर है -39। अब हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे माइनस है तो इसे हम क्या करते हैं? प्लस में। प्लस में कैसे करते हैं? 1 अपान कर देते हैं आई की पावर 39 हो गया। तो जब 1 अपान करती हैं तो ये वैल्यू हमारी क्या होती है? धनात्मक हो जाती है। या अगर हम इसके ऊपर ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस हो जाती है, ऋणात्मक होती है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मतलब ऊपर नीचे दोनों ओर हम आई का मल्टीप्लाई करवाते हैं, ऊपर नीचे दोनों। अब हम क्यों कर रहे हैं वो देखिए, हम किस लिए कर रहे हैं? यहाँ पे तो हमारा आई हो जाएगा ऊपर जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे आधार समान होने के नाते जो इसकी घात है वो जुट जाएगी। आई की पावर 1 है और आई की पावर 39 है, तो आई की पावर क्या होगी हमारा यहाँ पे? 40 हो गई। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम ये क्यों कर रहे थे। देखिए हमने आपसे पहले बोला कि हम अगर आई की पावर 4 ला दें तो इसकी वैल्यू होती है 1, और 1 की पावर चाहे जो भी हो इसका मान हमेशा 1 ही प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए इसे छोटा रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए आई की पावर 40 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 के पावर 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इंटू 10 में करेंगे तो ये कितना जाएगा? 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है? आई के पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 के पावर 10, 1 के पावर 10 का मान आप जानते ही हैं 1 होता है, तो यहाँ पे हमें मिला आई, तो इसका आंसर हमें आई प्राप्त हो रहा है। आप इसे अगर ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 0 प्लस आई इस तरीके से आप लिख सकते हैं। वैसे तो आप अगर आप लगाएंगे तो आप सोचेंगे कि इसे हम 35 या कुछ भी कन्वर्ट करेंगे तो आपसे वैसे तो बहुत बड़ा जाने वाला है। तो हमेशा आप ये कोशिश कीजिए हम आई के पावर 4 के रूप में कन्वर्ट कर लें, तो इसीलिए हमें आसानी होगी। और यहाँ पे 39 दिया गया है, हमें आई के पावर 4 में लाना है, तो हम ऐसा क्या करें कि मतलब आई के पावर 4 के मल्टीपल में आ जाए। तो आपके पास एक ही आइडिया है, वो क्या करें हम कि प्लस मतलब इसमें 1 जोड़ दें, और 1 तभी आप जोड़ सकते हैं जब यहाँ पे ऊपर नीचे हम आई का इंटू कराएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 से दिया गया है 3 × 7 प्लस आई 7 प्लस आई और इंटू है 7 प्लस आई 7। इसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे या तो आप सीधे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं फिर देखते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा 21 प्लस यहाँ पे 21 आई, और यहाँ पे क्या मिला हमें? प्लस 7 आई और प्लस 7 आई स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा 21 ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 आई, क्योंकि दोनों प्लस में है, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 7 आई स्क्वायर। अब देखिए 7 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1 होती है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू माइनस 1 रखते हैं तो ये हमें मिल प्राप्त होता है माइनस 7। यहाँ पे जब हम घटाएंगे तो ये हमें कितना हो जाएगा? 14 प्लस 28 आई। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तरीका और है, आप यहाँ पे क्या करते हैं 40 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 आई, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर सही होने वाला है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए आप सब वीडियो देख तो लेते हैं, क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है, लेकिन आप ना लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं, इससे आपका ही घाटा जाएगा। आपका घाटा क्या जाएगा कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर आप खोजेंगे, इससे अच्छा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला हमारा क्वेश्चन 5 है, 1 माइनस आई माइनस माइनस 1 प्लस आई इंटू 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं और माइनस का यहाँ पे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जाएगा 1
माइनस आई और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस वन और यहाँ पे माइनस आई इंटू सिक्स हो गया। अब देखिए प्लस वन तो यहाँ पे टू हो जाएगा, माइनस आई सिक्स और माइनस आई तो ये हो जाएगा माइनस सेवन आई हो जाएगा। बस हमें यहाँ पे कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, जो कि बहुत ही आसान है। या आप इसे ए प्लस आई वी के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस सेवन आई कर दीजिए, ये हमारा ए प्लस आई वी के फॉर्म में हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है वन अपॉन फाइव प्लस आई इंटू टू बाई फाइव माइनस फोर प्लस आई इंटू फाइव बाई टू। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस फोर माइनस आई फाइव बाई टू। अब यहाँ पे देखिए वन बाई फाइव माइनस फोर इसे एक साइड लिखते हैं और ये हमारा हो जाएगा प्लस आई टू बाई फाइव माइनस आई फाइव बाई टू। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये हमारा हो जाएगा फाइव और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस ट्वेंटी। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी वही कार्य करते हैं, या तो आप माइनस कॉमन ले सॉरी आई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस नाइनटीन प्लस बाई फाइव प्लस और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ट्वेंटी है, तो यहाँ पे प्लस है तो वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस आई इंटू, यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन बाई टेन आई। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर है। अगला हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं बड़े वाले ब्रैकेट को, तो ये हमारा हो जाएगा वन बाई थ्री प्लस सेवन आई बाई थ्री और यहाँ पे हमारा प्लस फोर प्लस आई इंटू वन बाई थ्री। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा थर्टीन बाई थ्री प्लस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा एट बाई थ्री इंटू आई। अब कैसे हम सॉल्व किए हैं, जो कि बहुत बेसिक है, वन बाई थ्री प्लस फोर कहेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा थर्टीन बाई थ्री प्लस यहाँ पे क्या कहेंगे एलसीएम लेंगे थ्री और सेवन प्लस एट वन एट बाई थ्री इंटू आई हो गया। माइनस हमारा क्या है, तो यहाँ पे जब आप माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाती है प्लस हो जाएगी, तो फोर बाई थ्री और ये वैल्यू जाएगी माइनस आई। अब यहाँ पे इसे हमें सॉल्व करना है, हम इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं, इस चीज़ को हमें यहाँ पे सॉल्व करना, तो ये हमारा जगह इन को पास में लाएंगे तो ये हमारा जगह सेवनटीन बाई थ्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, या तो आप आई कॉमन लेके तब सॉल्व कीजिए, तो ये जगह एट बाई थ्री माइनस वन, तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा सेवनटीन बाई थ्री प्लस आई फाइव बाई थ्री, ये हमारा आंसर है। या आप इस तरीके से लिख सकते हैं वन बाई थ्री कॉमन ले दीजिए तो ये जगह हमारा सेवनटीन प्लस फाइव आई, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर आपका यहाँ पे सही है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में ए प्लस आई वी के फॉर्म में बोला है तो ये वाला हमारा ज़्यादा यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए माइनस आई की पावर फोर है, अभी आप सोच रहे होंगे कि हम तो स्क्वायर के फॉर्म में क्यूब के फॉर्म में पढ़े हैं, फोर के फॉर्म में तो नहीं पढ़े हैं, तो हम यहाँ पे कैसे फार्मूला यूज करें, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं ए माइनस आई का स्क्वायर और ए माइनस आई का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान हो तो घातें जुट जाती हैं, तो वही हमें यहाँ पे प्राप्त है। अब यहाँ पे ए माइनस बी का फार्मूला आप आसानी से लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है, तो माइनस टू ए की जगह तो हमारा वन है इंटू आई है ये हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यहाँ पे एक का स्क्वायर प्लस वही वैल्यू आएगी क्योंकि दोनों सेम मान है, तो यहाँ पे आप आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन होती है, तो यहाँ पे आप आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखते हैं टू आई, और यहाँ पे भी वही काम हम करते हैं माइनस वन माइनस टू आई, तो यहाँ पे देखिए माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे कैंसिल होगा तो बचा यहाँ पे क्या हमारा माइनस टू आई और इधर हमारा बचा माइनस टू आई, तो अगर आप स्क्वायर कराएंगे तो ये जाएगा फोर आई स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब फोर आई स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो माइनस फोर हमें यहाँ पे प्राप्त होती है, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाता है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें यहाँ पे यूज करना है ए प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि आपको पता होगा ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी का
होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, और ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। आप इस तरीके से और लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी का इसमें मल्टीप्लाई कराएं, तो ये हो जाएगा ए थ्री ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा थ्री ए बी स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि इसी से निकल आया। आप यहाँ पे यूज करेंगे फिर भी आपको सॉल्व भी करना होगा, और ये लिखेंगे तो भी आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, वन अपॉन थ्री प्लस थ्री आई का होल क्यूब है। तो यहाँ पे इसके जगह पे ए के जगह पे वन बाय थ्री, बी के जगह पे थ्री रखते हैं, थ्री आई दिया गया है, तो थ्री आई यहाँ पे रखते हैं। ए क्यूब मतलब वन बाय थ्री का क्या हो जाएगा, हमारा होल क्यूब है, प्लस बी क्यूब मतलब थ्री आई का होल क्यूब हो जाएगा, प्लस थ्री ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, वन बाई थ्री का स्क्वायर है, और इंटू बी क्या है हमारा, थ्री आई है, प्लस थ्री इंटू ए की जगह पे हमारा क्या है, वन बाई थ्री, ठीक है, और बी स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे थ्री आई का स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वन बाई थ्री मतलब वन बाई ट्वेंटी सेवन, प्लस थ्री का क्यूब मतलब ट्वेंटी सेवन आई क्यूब, और ये हमारा देखिए यहाँ पे प्लस थ्री इंटू वन बाई थ्री का स्क्वायर मतलब नाइन, और यहाँ पे क्या है थ्री आई है, तो थ्री से थ्री यहाँ पे फिर कैंसिल हो जाएगा इंटू करा के, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा थ्री इंटू वन बाई थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइन आई स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे। तो ये चीज़ हमारा यहाँ से ख़त्म हो गया, और यहाँ से हमारा ये ख़त्म हो गया। यहाँ पे बचा क्या, वन अपॉन ट्वेंटी सेवन प्लस ट्वेंटी सेवन आई क्यू की वैल्यू क्या होती है माइनस आई, तो यहाँ पे रखते हैं प्लस, हमारा यहाँ पे थ्री नाइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे सिर्फ आई बचा है, और यहाँ पे हमारा क्या बचा है थ्री थ्री कैंसिल नाइन आई स्क्वायर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो ये माइनस नाइन हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये माइनस ट्वेंटी सेवन आई, यहाँ पे प्लस आई है, तो ये हमारा जाएगा यहाँ पे माइनस का ट्वेंटी सिक्स आई, और यहाँ पे वन बाई ट्वेंटी सेवन माइनस नाइन, तो इसे आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा माइनस दो सौ बयालीस बाई सत्ताईस माइनस छब्बीस आई। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन, जो कि क्वेश्चन नंबर नाइन के जैसा ही है। तो यहाँ पे भी हमें वही फार्मूला यूज करना है, तो हम सीधे यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए क्यूब होता है, ए क्यूब की जगह पे हमारा क्या जाएगा माइनस टू का होल क्यूब, तो ए माइनस बी का हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, तो ए की जगह पे ए क्यूब, फिर क्या होता है माइनस बी क्यूब मतलब वन बाई थ्री आई का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी, थ्री इंटू ए की जगह पे क्या है माइनस टू है, बी की जगह पे क्या है वन बाई थ्री आई है, और ब्रैकेट में फिर क्या होता है ए माइनस बी मतलब माइनस टू माइनस वन बाई थ्री आई। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा हमारा माइनस एट, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस वन बाई ट्वेंटी सेवन आई क्यूब, और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस वैल्यू जाएगी क्योंकि माइनस पहले से ही है, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू आई, और ब्रैकेट में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस टू माइनस वन बाई थ्री आई। यहाँ पे हम टू आई का मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे क्या होता है माइनस एट माइनस आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस आई, ये आई क्यूब की वैल्यू होती है आपको पता होगा, और यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस फोर आई, टू से टू करेंगे तो फोर आई, और माइनस टू बाई थ्री आई स्क्वायर, ये हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। कहेंगे यहाँ पे टू बाई थ्री कैसे आई, टू में वन बाई थ्री का इंटू करेंगे तो टू बाई थ्री आई स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे रखते हैं तो माइनस ये हमारा क्या हो गया एट हो गया, और ये वैल्यू प्लस हो जाएगी वन बाई ट्वेंटी सेवन आई की, और यहाँ पे क्या होगा माइनस फोर आई, और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू वन होती है, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो वैल्यू टू बाई थ्री हमें प्राप्त होगी जो कि प्लस में। यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा माइनस एट प्लस टू बाई थ्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी सेवन आई, या आप यहाँ पे आई कॉमन ले सकते हैं, तो आई जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई ट्वेंटी सेवन माइनस फोर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस ट्वेंटी टू बाई थ्री, और माइनस वन हंड्रेड सेवन बाई ट्वेंटी सेवन आई। तो इस तरीके से ये हमारा इसका क्या है आंसर। बस हम यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे हम यूज किए हैं। ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर इलेवन, इसमें बोला गया है कि समीप संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो आप जानते हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इसे हम क्या करते हैं वन अपान करके लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा वन अपान फोर माइनस थ्री आई हो गया।
अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके विपरीत गुणा कराते हैं, इससे क्या होगा कि नीचे वाली वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे 4+3i का हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है जहाँ पे आपको गुणात्मक वर्ग बोला है, क्योंकि नीचे में सॉल्व करने में कठिनाई होगी, इसलिए हम यहाँ पे इसके विपरीत से गुणा कराएंगे। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमारा हो जाएगा 4+3i और नीचे हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी, देखिए a+b a माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जगह 4+3i और नीचे हमारा जाएगा 14-3 मतलब 9i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं आई स्क्वायर की, क्योंकि आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 4+3i 14+9 मतलब 16+9 ये होता है 25। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 4/25 प्लस 3/25i। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन अगला वाला है जो कि इसी प्रकार से सॉल्व है, बस आपको कुछ नहीं करना है। गुणात्मक प्रतिलोम बोला है, प्रतिलोम मतलब ही होता है उसका मतलब उल्टा 1/ करके। तो हम इसे इसको 1/ कर देंगे और फिर इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी प्लस इसके विपरीत। अगर यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस चिन्ह लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होती तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे। कैसे भी करके हमें ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में परिवर्तित करना है, जिससे हमें आसानी से सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। अब यहाँ पे अभी वही क्रिया करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, प्रतिलोम करना है तो 1/ कर देते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस से इंटू कराएंगे, यहाँ पे प्लस है तभी तो हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस है तो हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे बस, और हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जब आप इंटू करेंगे तो ये √5-3i और नीचे हमारा क्या जाएगा 5√5 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -3i का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जगह √5-3i और यहाँ पे हमारा 5√5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा -3i स्क्वायर मतलब 9i स्क्वायर हो गया। तो आई स्क्वायर की जब हम वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये 5 और -1 रखेंगे तो ये वैल्यू प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे 9+5 तो ये हमारा हो जाएगा √5-3i और नीचे हमारा हो जाएगा 14। तो आप इसे हम अलग कर सकते हैं, √5/14 कर सकते हैं -3/14i। तो ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर या सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे एक छोटा सा हमें दिया गया है माइनस, देखने में तो छोटा लग रहा है, सॉल्व करने में भी शायद इससे भी छोटा हो। यहाँ पे हम इसका कहते हैं 1/-i, हमें क्या करना है ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कराना है। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे तो हमें a माइनस बी का फार्मूला तो नहीं बन रहा है मैम, ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में आपको a माइनस बी का ही फार्मूला बने। यहाँ पे देखिए क्या होगा, i में i का जब इंटू कराएंगे तो हमें i स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे i का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा -i स्क्वायर हो गया। अब आपको ऐसे काटना नहीं है, आप सोचोगे इसको हम काट देंगे तो बात तो फिर हमें वही प्राप्त हो जाएगी अगर इसको काट देंगे। तो हम सॉल्व भी क्यों कर रहे हैं, हमें इसे काटना नहीं है, हमें इसे आगे प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो माइनस तो पहले से ही है और -1 आई स्क्वायर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आई और माइनस माइनस में इंटू कराएंगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो मतलब 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो आंसर मिला वो हमारा क्या है, सिर्फ आई, ये हमारा इसका सलूशन होगा। अगला हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है जो कि हमसे बोला गया है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजन को a+ib के रूप में व्यक्त करना है, हमें a+ib के रूप में इसे परिवर्तित करना है। सबसे पहले से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जो कि यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का इंटू कराते हैं और यहाँ पे क्या है इस वैल्यू को इंटू कराते हैं, या तो आप इसे ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 3+, या अगर हम इंटू कराएंगे तो ये मेरा ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे हमारा क्या हो जाएगा √3+√2i-√3। यहाँ पे माइनस का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा i into √2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा √3 है,
3 है इधर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या, इसे आप लिखेंगे तो ये हमारा आई स्क्वायर मतलब 9 हो गया, और माइनस यहाँ पे हम रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो गया और आई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमें क्या मिला, रूट 2i माइनस प्लस रूट 2i, तो मिसल तो 2√2i लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हमारा यहाँ पे आई खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे तो वैल्यू पहले सॉल्व करते हैं, 9 माइनस 5 आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, इसे हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ये रूट 2 आई हो गया। तो यहाँ पे 9 प्लस 5 बाई 2√2 आई, और यहाँ पे हमें मिला 14 बाई 2√2 आई, तो यहाँ पे देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा हमारा क्या, 7 बाई √2i। तो यहाँ पे अगर हम √2i से ही इंटू कर दें, √2i से मल्टीप्लाई कर दें, इससे नीचे हमारा रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 √2i, और यहाँ पे √2 से 2 और i से i स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा, कि i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 7√2i अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 में √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो माइनस 2 हो गया। तो आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस 7√2 बाई 2i, या आप 0 माइनस 7√2 बाई 2i ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में बोला था a प्लस iv के फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन होगा। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताए हैं वो समझ में आए होंगे, जो कि क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट थे, फार्मूला बस एक ही यूज होना था, वो क्या था, ए प्लस आई वी के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम कैसे भी करके जो हमारा आई है उसे आई स्क्वायर या आई मतलब आई क्यूब आई फोर इस सब के पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, उसे हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला है एक्सरसाइज 5.2, उसके पहले हमारा कुछ बेसिक जानकारी जैसे आगर तल या ध्रुवीय निरूपण क्या होता है, इन सभी के बारे में जानेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।